हेलो गाइस, तो आज हम अपनी चिकन किचन में बनाते हैं चिकन फ्राई। तो उसके लिए मुझे चाहिए 1 किलो चिकन और बेसन, और मैंने लहसुन और एक प्याज और अदरक को ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद मैंने धनिया, मीट मसाला, 1 चम्मच जीरा और फ्रूट कलर थोड़ा सा लिया है, नमक, लाल मिर्ची, चाट मसाला, गरम मसाला। अब इसको हम इसमें मिक्स करते हैं। ये जितने मसाले हैं इसको मिक्स, ये चाट मसाला, ये बाकी सारे मसाले इसमें मिक्स कर दिए। और इसके बाद ये पेस्ट भी हमें इसके अंदर सारा मिक्स करना है। और ये जित बेसन है, जितना हमें चाहिए होगा उतना बेसन हम इसमें डाल लेंगे। जिसमें मैंने ग्राइंड करा था उतना ही पानी थोड़ा सा डाल के इसमें अब ये मिक्स कर लेते हैं हम इसको। थोड़ा सा पानी और लगेगा तो हम थोड़ा पानी और यूज करते हैं। तो अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी जगह मिक्स हो जाए, कोई भी जगह छूटे ना, वरना मसाले अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। तो अच्छे से मिक्स करना है आपको। बस हमें इसमें पानी और ऐड नहीं करना है, इतना ही हो जाएगा, क्योंकि बाद में थोड़ा सा पानी छोड़ते हैं मसाले भी और चिकन भी। तो इसको हम अच्छे हाथ से मिक्स करेंगे। अब इसको मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो अभी ये 1 से 1.5 घंटे के लिए मिक्स हो गया है, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे फ्राई करते हैं। तो इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं इसको ढक के। 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं तो ये फ्राई के लिए रेडी है। तो अब हमारा चिकन रेडी है। तो अभी इसको मैंने कढ़ाई रख दी है और मैंने सरसों का तेल यूज करा है, तो आप चाहे तो रिफाइंड भी यूज कर सकते हो। तो अब एक एक करके हम फ्राई करते हैं। तो आराम से हाथ बचा के, पहले मैंने तेज गैस में अच्छे से मैंने गैस स्लो कर दी है तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं। एक एक करके जितने पीस आएंगे उतने हम डालते जाएंगे। एक एक करके सारे पीस और बाकी अभी इसको गैस को थोड़ा तेज कर देंगे। अब इसको हम 15 से 20 मिनट पकाएंगे स्लो गैस पे। तो 5 मिनट बाद हम इसको पलट देंगे। सारे पकौड़ों को आराम आराम से अब इस टाइम अब अपनी गैस को ना स्लो कर देंगे, मीडियम टू स्लो, और उसको हम 15 से 20 मिनट अच्छे से 5 मिनट में ढक के पकाऊंगी और 3 मिनट में इसको 5-10 मिनट में इसको ऐसे पकाऊंगी ताकि फिर इसको 15 से 20 मिनट पकते हुए हो गए हैं। हमारा चिकन अच्छे से पक गया है, ये देखिए अच्छे से पक गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं। टिश्यू पेपर से हम इसको निकाल लेते हैं। तो बाकी के ये हमारे ये वाले रेडी हो गए, बाकी के हम दूसरे वाले भी फ्राई कर लेते हैं। इसको भी ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। गैस को हम थोड़ा तेज कर देंगे।
हम धीरे धीरे करके सारे अपने फ्राई कर लेते हैं। तो हमारा फ्राइड चिकन तैयार है, उसके हमने ग्रीन चटनी और प्याज, इसमें मैंने प्याज और नींबू और थोड़ी सी चाट मसाला और लाल मिर्च मिक्स की है। बाकी हमारा फ्राइड चिकन तैयार है, खाइए और जरूर बताइए कमेंट में कि हमारा चिकन आपको कैसा लगा। थैंक यू।